नमस्कार, आप देख रहे हैं HBN न्यूज। बिहार के दरभंगा में बीते दिनों एक बच्ची के साथ दुष्कर्म कर उसकी हत्या कर दी गई थी, जिसके बाद जन अधिकार पार्टी लोकतांत्रिक के राष्ट्रीय अध्यक्ष पीड़ित परिवारों से मिले और हत्या की जांच की मांग भी की है। बिहार के दरभंगा जिले के हायाघाट के पतौर में बीते दिनों एक बच्ची के साथ दुष्कर्म कर बलात्कार कर दिया गया था, जिसको लेकर जन अधिकार पार्टी लोकतांत्रिक के राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव पीड़ित के माता पिता से मुलाकात की और उन्होंने पीड़ित के माता पिता की सारी बातें सुनी और उसी समय आईजी दरभंगा से मोबाइल पर कहा कि ये बच्ची जिसकी हत्या हुई उसका कारण जानना जरूरी है। जब इनके पिता से उस व्यक्ति का कोई जमीन झगड़ा नहीं था, कोई लेन देन नहीं था, तो फिर किस कारण इस मासूम बच्ची की हत्या कर दी गई? उन्होंने आज ही महोदय से कहा कि इस सारे मामले में पचौर थाना के प्रभारी को निलंबित किया जाए, क्योंकि उन्होंने यहाँ की महिलाओं पर और आम लोगों पर लाठी चार्ज करके साबित कर दिया कि अंग्रेज के समय जो क्रूरता होती थी वही क्रूरता आज नीतीश राज में पुलिसिया गुंडागर्दी कर रही है। ये तो साफ जांच का विषय है कि आखिर लड़की की हत्या क्यों हुई। ज्योति पासवान सारे समाज की बेटी थी, वह किसी एक जातीय मजहब की बेटी नहीं थी और उसको जाति के आधार पर नहीं देखना चाहिए। जो गुनाहगार है उनको बख्शा नहीं जाना चाहिए और जो बेगुनाह है उनको तंग नहीं करना चाहिए। किसी भी आधार पर हत्या को जातीय मापदंड पर नापने की कोशिश नहीं की जानी चाहिए, क्योंकि अपराधी का कोई जात मजहब नहीं होता है। जिन मेघुनाओं पर पुलिस ने केस किया है उसे अभिलंब खत्म होना चाहिए। सारी घटना को माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव ने महोदय से मोबाइल पर बात करते हुए कहा कि आप खुद इसकी जांच करें, तभी निष्पक्षता से जांच कर गुनाहगार तक पहुंचा जाए, उस अपराधी को फांसी से कम सजा नहीं होनी चाहिए। वहीं उन्होंने बिहार सरकार से इस घटना और हत्या के खिलाफ SIT जांच की मांग की है। ब्यूरो रिपोर्ट, HBN न्यूज। संदिग्ध मिले हुए हैं, पैसे लेकर के इसको रफा दफा करने की कोशिश की गई है और अभी तक इस मामले में न्याय की कोई बात नहीं की गई। इस परिवार को हमारे अध्यक्ष डॉक्टर मुन्ना खान जी के द्वारा इन्होंने कहा कि उस परिवार की मदद, आर्थिक मदद की जा रही है, लेकिन यदि एक सप्ताह के अंदर गिरफ्तारी नहीं हुई तो हम लोग दरभंगा में न्याय के लिए मार्च भी निकालेंगे और पूरे बिहार में इस सवाल को लेकर मार्च निकालेंगे और इस लड़ाई की अंतिम लड़ाई लड़ी जाएगी। पूरा समाज से मैंने कह दिया है इसमें कोई भी ना तो दलित ना गैर कोई जाति, बेटी मेरी बेटी वो दलित नहीं, बेटी बेटी होती चाहे वह कोई हो, लेकिन बाद में जो घटना घटित हुई है, धमकी मिल रही है और चुन चुन करके लोगों पर केस किए गए हैं, उस पर कार्रवाई हो और अविलंब केस का खुलासा कर हत्या को गिरफ्तार किया जाए और SPD ट्रायल। तो हमको पैसा नहीं चाहिए सर, हमको रुपया।